तर केंद्रातलं सरकार उद्योगपती धार्जिण असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलाय. सरकार हुकुमशाही पद्धतीनं चाललं असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सरकारनं अध्यादेश काढल्याप्रमाणेच कायदा केलाय, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचं ते म्हणालेत. अध्यादेश के आधार पर जो नया बिल लाया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया. 80% लोगों की सहमति, जरूरत ना ऐसे कह रही है सरकार. तो हमें लगता है कि लोकतंत्र किसको कहेंगे. और बहुमत से सत्ता में आने के बाद इनकी सोच थी कि उद्योगपति का भला करना, उसके कारण ये अन्यायकारक बिल बना रहे हैं. तो ये जो हुकुमशाही चल रही है इस देश को, ऐसे निर्णय से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा. सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.